बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इस वजह से हम अभी से डाल रहे थोड़ा थोड़ा एम गोबर। तो उन कट्टों से गोबर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा रोज का वही काम है। दिन की शुरुआत गोबर से होती है और दिन खत्म भी गोबर ही पे होता है। तो आज भी फिर से तो बहुत दिक्कत हो रही है। वही वहीं पे रुक रहा है, जैसे मैं खोद रही हूँ तो वहीं पे रुक रहा है। पता नहीं क्या चीज है ये, तो कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं नीलम नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नीलू ब्लॉग उत्तराखंड में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10:30 बजे से। तो अभी हम खेत में आ रखे हैं, तो आज हम गोबर डाल रहे हैं। यहाँ से तो थोड़ी चढ़ाई है इधर, तो इस वजह से मेरे सांसें फूल रही है। तो आज भी धूप लगी है अच्छी वाली। हाँ, ऊपर से डालना है हमें गोबर, घर से नहीं डाल रहे क्योंकि घर से दूर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे किसी और का रखा है। तो वहीं से लेके जा रहे हैं हम खेत में। बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इस वजह से हम अभी से डाल रहे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी 2-3 कट्टे डाल दिए हमने। तो सास जी भी आ रहे हैं, तो 1 कट्टा हम घर से ले गए आए, 1-2 हमने यहीं से डाले। तो वहाँ नीचे हमारा खेत, तो यहाँ काफ़ी ऊपर से ले जाना पड़ रहा है गोबर। बहुत थकान लग रही है। यहाँ पे अभी धूप नहीं लगी है तो ठंड भी लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा बिच्छू घास है यहाँ नीचे यहाँ पे। तो यहाँ बहुत सारे बांज के पेड़ है, इस वजह से भी यहाँ पे धूप नहीं लगती, देख ही सकते हो आप लोग। तो यहाँ से डालना है मैं गोबर। तो यहीं से ले जाते हैं हम, हर बारी पिछली बारी भी यहीं से ले गए थे। भर लेती हूँ मैं गोबर, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, हाथों की ये हाल हो गए हैं। तो अभी भर लेती हूँ मैं, और हम इन कट्टों पे भर के ले जा रहे हैं क्योंकि मैं आज घेरे लेके नहीं आई। तो भरते हैं अभी, सास जी भी आ गए हैं वहाँ से। यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम गोबर, तो उन कट्टों से गोबर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा घास ही घास है उस गोबर में। तो उन कट्टों में भरने में भी निकालने में बहुत मुश्किल हो रही। तो 1-2 हम यहाँ पे लेके आए 2 कट्टे। बाद के लिए हम आसान कर रहे अपना काम। लेके आ गए हम लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं नीलम नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नीलू ब्लॉग उत्तराखंड में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 9:30 बजे से कर रही हूँ। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, तो ये वीडियो का अगला दिन है। तो कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो फिर से आज कर रही हूँ मैं वीडियो कंटिन्यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में, रोज़ का वही काम है। दिन की शुरुआत गोबर से होती है और दिन ख़त्म भी गोबर ही पे होता है। तो आज भी फिर से हम गोबर लेके जा रहे हैं खेत में। तो जो रूटीन रहता है मेरा रोज़ का, वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं आप। तो कल का वीडियो नहीं आया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो पूरा नहीं बना पाई थी परसों। कल वीडियो पूरा नहीं बना पाई थी मैंने, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो अभी हम गोबर भर लेते हैं नीचे, तो वहीं जाना है हमें उस खेत में जहाँ मैं कल गई थी। तो चलिए चलते हैं।
तो ये ज़्यादा नहीं माल्टा लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ा टाइम लगेगा। परसों हम जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें खाना वगैरह पकाना था, तो आज थोड़ा देर तक लगे रहेंगे। अभी नीचे से गोबर भर के ले जाना है। तो कल तो धूप आई नहीं थी, आज अच्छी से धूप लगी हुई है। गोबर लेके नहीं आए हैं आज हम लोग, क्योंकि गोबर बहुत ठंडा था इस वजह से। तो अभी हम खाली जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है खेत, इस वजह से। तो दो कट्टे सास जी के पास है, दो कट्टे मेरे पास है, तो आज हम दो दो कट्टों पे लेके आएंगे गोबर, जिससे कि जल्दी से निपट जाएगा। तो हम अभी इधर की साइड आ गए हैं जहाँ पे हमारा खेत है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, यहाँ तो ना धूप लगी है, पता नहीं कब तक लगती है धूप। यहाँ के रास्ते भी थोड़ा अजीब ही है। तो सास जी उधर गए हैं किसी के घर पे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, काम करते करते तो नहीं लगता उतना ठंडा, पर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। सास जी अभी आ रहे हैं, तो हम वहाँ से आए हैं, दिखाती हूँ आपको। उधर से होके आए, तो उधर से आना पड़ता है, हमारा घर उसके पीछे है, उन घरों के पीछे। तो यहाँ से। तो अभी मैं खेत में भी आ गई हूँ, तो यहीं पे गोबर डालना है मैं, जहाँ पे परसों डाला था। तो अभी सास जी नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर यहाँ धूप पे बैठ लेती हूँ। थोड़ा लगी है यहाँ पे धूप, नहीं लगी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लगे है, तो तब तक यहीं पे बैठ लेती हूँ मैं। तो यहाँ के रास्ते बहुत अजीब है, यहाँ से आते हैं हम लोग ऊपर, वहाँ से यहाँ पे बहुत ही अजीब है। तो यहाँ से इतना गोबर लेके जाना है हमें, इतनी बड़ी चट्टान लग रखी है, तो इसको पूरा खेत में ले जाना है। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं। तो अभी सास जी वहाँ से टप लेने गई है, तो उसी से भरेंगे हम। यहाँ पे रखा है गोबर और कुछ यहाँ पे, तो ये ले जाने में तो आसानी होगी क्योंकि ये रास्ते में, तो वो उधर है, उधर से यहाँ गिराना होगा, फिर यहीं से लेके जाएंगे। पहले यहाँ का गोबर ले जाते हैं हम, फिर वहाँ का ले जाएंगे। तो अब खेत में आ गए हम, तो सास जी बड़े वाले कट्टे पे ले जा रहे हैं, मैं तो छोटे वाले कट्टे पे ले जा रही हूँ क्योंकि बड़े वाले पे मेरे बस का नहीं है। तो इतना गोबर हम परसों लेके आए, कल लेके आए थे, और अभी मैंने यहाँ पे डाला, सास जी ने वहीं पे डाला। तो इतना लेके आए, तो इतना ही आज लेके आएंगे। पूरा गोबर मुंह पे आ गया, तो यहाँ से गिरा रही हूँ मैं नीचे को, तो यहाँ से गिरा रही हूँ मैं नीचे, तो वहाँ पे कट्टे भरने हैं मैं नीचे से, सास लेके जा रही है। तो अभी इसको पूरा गिरा देती हूँ, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा बहुत यहाँ पे, उसके बाद नीचे गिराएंगे हम। हाँ, ऊपर से लेके आ गई हूँ गोबर, तो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, तो अभी यहाँ तक लाना है। तो बहुत दिक्कत हो रही है, वो वहीं पे रुक रहा है, जैसे मैं खोद रही हूँ तो वहीं पे रुक रहा है। तो सास जी कट्टे लेके चले गए हैं, तो ये इतने बड़े बड़े कट्टे है, ये मैं परसों मशीन पे सिला था, तो बहुत बड़ा हो गया। तो पते पते ले
पत्ते पत्ते ले जाने के लिए तो ठीक है, पर ये बारीक है, ये गोबर इसकी बारीक खाद बन रखी है तो ये नहीं ले जाया जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा। तो जब तक सास जी जा रहे हैं तब तक मैं इसको नीचे ले यहाँ पे लेके आते हूँ, फिर उसके बाद खेत में लेके जाना है। तो ये क्या चीज है, पता नहीं क्या चीज है ये, तो कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता होगा क्या है ये, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हाथों के इतने बुरे हाल हो गए हैं आज, बहुत गंदे हो गए हाथ। जल्दी जल्दी इसको ऊपर से नीचे लेके आते हूँ, फिर जल्दी जल्दी खेत में डालते हैं, टाइम भी 11 बज गया है पूरा। तो लेके आते हूँ जल्दी जल्दी। हमने थोड़ा बहुत गोबर डाल दिया तो थोड़ा बहुत और डालते हैं। तो पानी पीने के लिए जा रखी थी मैं इनके घर में, तो थोड़ा पानी सास जी के लिए भी ले जाती हूँ। तो उन्होंने एक मिट्टू का पाल रखा है बहुत सुंदर, तो उसने मेरा हाथ ही काट दिया। तो यहाँ से नहीं डाला हमने गोबर, तो इसलिए वहाँ से डाल रहे हैं। अब मैंने उनका लोटा वोटा भी दे दिया है, तो अब एक एक कट्टे लेके जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकान लगी है। तो एक कट्टा लेके जाएंगे, उसके बाद हमें घास निकालने, उसके बाद घर जाएंगे, अभी खाना भी है बनाने को। तो जल्दी जल्दी लेके जाते हैं। तो अभी हम इतना गोबर लेके आ गए हैं, तो थोड़ा ही है ये, क्योंकि खेत बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा। यहाँ से तो यहाँ तक है ये खेत, तो इतना बड़ा है। तो ऐसे ऐसे दो तीन जगहों पे और इकट्ठा करना होगा, तब जाके ये पूरा होगा। और तो मैं तब तक संतरे खा माल्टे खा लेती हूँ, तो हाथ ऐसे हो रखे हैं, तो दराती से काट के ऐसे ही खाने पड़ेंगे, क्या करूं। पानी उधर नीचे है तो कैसे जाऊंगा, उधर नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर आना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं ऐसे ही खा लेती हूं, तो दराती से काट के खाऊंगी। तो चार माल्टे ला रखे थे हमने, दो तो हमने खा लिए थे, दो अभी खा रहे हैं। पैरों की हालत कुछ ऐसी हो गई अजीब सी, पूरे पैरों में गोबर लग गया है। तो इसको मैंने काट लिया, तो ऐसे ही खाऊंगी, क्योंकि छिलने में पूरा हाथों का गोबर इसी पे लग जाएगा, तो इस वजह से। तो अभी सास जी ने वहाँ पे थोड़ा सा पेड़ भी काट लिया है, थोड़ा ही था उसमें, तो मैं उसको मेट लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद उसका बारा लगाऊंगी, फिर उसके बाद घर जाना है। तो क्या पता अभी खाना भी बनाना पड़े। तो खेत से घर आ गए थे हम, तो उसके बाद हमने खाना खाया, तो खाना ससुर जी ने बना के रखा था, क्योंकि आज वो काम पे नहीं गए थे। तो अभी खाना भी खा लिया है, तो 2 बजे तक हम घर आए, तो अभी टाइम भी 3 बज गया है। तो खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धुले, तो अभी सास जी नहाने के लिए जा रखे हैं, तो मुझे अभी यहाँ का झाड़ू लगाना है, स्लिप वगैरह साफ करनी है किचन की, उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं ससुर जी और सास जी की। तो अभी पहले यहाँ का झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद कपड़े धोने हैं। आज बहुत ज़्यादा थकान भी लगी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना, मतलब बहुत टाइम बाद किया इतना काम, तो थकान तो लगनी थी। तो जल्दी यहाँ का झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने जाती हूँ। तो अभी सारे काम निपटा के, तो अभी चाय बना रही हूँ मैं, तो सास जी को चाय देती हूँ।
तो आज मैं खेत में गोबर लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो अभी मैं पहले सास जी को चाय दे देती हूँ, उसके बाद मुझे गोबर निकालना है यहीं का, तो सास जी बीमल के ले जाएंगे। तो सास जी तो चले गए हैं बीमल के लिए, तो मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मैं गोबर निकालती हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से ये पत्ते तो भैंस ने खा दिए तो वो डंठल डंठल उनको निकालने हैं। तो यहाँ का गोबर निकालती हूँ पहले, तो यहाँ से गोबर निकाल लेती हूँ पहले। यहाँ का गोबर भर निकाल दिया है मैंने, तो इसमें भर के तो वहाँ पे डालना है मुझे बाहर, जहाँ पे वो पेड़ है तो वहीं पे डालना है। तब इसको उठा लेती हूँ। अब मुझे ये डंठल वगैरह निकालने हैं, तो ये निकालने हैं। मुझे बहुत सारे कीड़े हो रखे हैं इनके मुंह में, तो इनको नीचे रखूँगी। तो यहाँ पे पानी भी रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए, क्योंकि धूप भी ऊपर चली गई है तो हाथ मुँह धोने के लिए पानी तो चाहिए ही। तब पहले उसको गोबर को डाल लेती हूँ नीचे। लकड़ी अलग करके ये पत्ते निकाल के यहाँ पे रख दिए, तो इन पत्तों को मैं वहाँ पे बिछा देती हूँ, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है बिछाने को। तो यहाँ बाहर का गोबर भी निकाल दिया है मैंने, तो अभी इसको अंदर रख देती हूँ। उसके बाद मुझे पानी लेके आना है, इस वाले नल पे तो आ नहीं रहा है, तो नीचे से तो अभी हाथ में नहीं धोए मैंने साफ से, तो नीचे वाले नल से लेके आती हूँ पानी। तो इनको पहले नीचे रख देती हूँ। तो मैंने सारे काम निपटा दिए है, लकड़ी भी अंदर रख दी है, पानी भी लेके आ गई हूँ। तो अब आग जलाती हूँ, क्योंकि टाइम भी 5:30 हो गया है, तो धूप भी ऊपर चली गई है, तो अंधेरा होने वाले है। सास जी भी आ गए हैं घास लेके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो व्यूअर मेरे साथ नहीं जुड़ रहे उनसे भी यही चाहती हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जैसे पिछली वाली वीडियो में आपने मुझे सपोर्ट किया है, वैसे ही इस वीडियो में भी, आगे आने वाली वीडियो में भी उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहिए।